लोग जानते हैं हमारे यहाँ नवरात्रि 107 तारीख से लेके 14 तारीख तक चल रहा है और 15 को मूर्ति विसर्जन है। प्रत्येक दिन हमने कुछ न कुछ रंगारंग कार्यक्रम भगवान की माता रानी की भक्ति में प्रस्तुत किए हैं और उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे बीच में गगन राठौर की जो कि एक कंपोजर एंड सिंगर हैं बाय प्रोफेशन, वो हमारे बीच में हैं। बहुत ही प्रसिद्ध गायक हैं, आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़े हुए हैं। एक जोरदार तालियां इनकी और मीटिंग के लिए। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आर्ट ऑफ लिविंग किसी पहचान का मोहताज नहीं है। हमारे सुप्रसिद्ध गुरु श्री श्री रविशंकर जी का एक अपना स्थापना है ये आर्ट ऑफ लिविंग, जिसमें स्पिरिचुअल प्रोग्राम इनके द्वारा दी गई सारी मेडिसिन वगैरह इनके बारे में सब कुछ उन
उनके आश्रम में जैसा कि सभी लोग परिचित हैं होता आया है। गगन राठौर और उनकी टीम द्वारा आज जो प्रस्तुति है एक संगीतमय रॉक स्टार प्रस्तुति है, भगवान के भजन की, माता रानी के भजन की। और इस भजन संध्या का भरपूर आनंद लेते हुए आप लोग महाप्रसाद भी ग्रहण करें और साथ में आप लोगों से निवेदन है कि शांतिपूर्वक बैठकर इस भजन संध्या का आनंद लें। धन्यवाद। चेक 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 चेक। पीछे तक मेरी आवाज जा रही है? कैन हियर मी? प्लीज अप योर हैंड। आप पीछे सुन पा रहे हैं मुझे? हेलो, थैंक यू सो मच। जितने भी लोग पीछे हैं वो आगे आ जाएं, थोड़ा सा यहाँ पर अपनी चेयर्स को आगे भी ला सकते हैं, इधर बैठ सकते हैं। और हाँ, प्लीज कम कम। अगर भोजन हो गया हो तो भजन भी कर लेते हैं थोड़ी देर, क्योंकि डेली हम भोजन तो करते ही हैं, भजन करने का मौका बहुत कम मिलता है। तो अगर प्रबंधकों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ी देर के लिए भोजन आप थोड़ा बाद में करवा दें, बाद में आप भोजन खोल दीजिएगा भंडारा माता का तो बहुत अच्छा है, नहीं तो फिर ऐसे तीन बार ओंकार का नाद करते हैं। सभी लोग आंखें बंद कर लें प्लीज। आइस क्लोज। टेक अ डीप ब्रेथ एंड ब्रीथ आउट। अगली बार श्वास छोड़ते हुए ओंकार की ध्वनि करेंगे। ओंकार के लिए श्वास भरें। सभी लोग ताली बजाते हुए साथ में मिलकर गाइएगा। कोई भी शुभ काम करने जाते हैं तो सबसे पहले हम भगवान गणेश जी को याद करते हैं, प्रथम पूजनीय भगवान गणेश, और ताली बजाते हुए मेरे साथ गाइएगा। गणपति बप्पा मोरया गणेश, गणपति बप्पा मोरया गणेश। गणपति बप्पा मोरया गणेश, गणेश 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 गणेश। Sing along. Ganpati Bappa Moreya Ganesha, wonderful. Ganpati Bappa Moreya Ganesha, Ganpati Bappa Moreya Ganesha, Ganpati Bappa Moreya. Yeah.
Thank you.
अच्छा एक आगे नहीं सर विपुल जी आप थोड़ा बच्चों की ड्यूटी ले लेंगे उनको संभालने की। थैंक यू सो मच। देखो हम लोग मूवी देखने चाहते हैं, आप लोग सब कितने लोग मूवी देखना चाहते हैं? मैं तो बहुत देखता हूँ। कितने लोग देखते हैं मूवी थिएटर में जाते हैं पीवीआर में? हाथ खड़ा करो भाई, सब जाते हैं मुझे पता है। तो वहाँ हम जब मूवी देखते हैं ना तो 100% देते हैं, देते कि नहीं? यस और नो? पंजाबियों थोड़ा जोर से सुनाई देता हूँ, ऊंचा 100% देते हो? यस और नो? वहाँ पर किसी आस पड़ोस वाले का कॉल भी आ जाता है ना तो हम इरिटेट से होते हैं, सीन आ गया और इसका कॉल आ गया, या आसपास कोई बच्चा भी चूचा या कुछ करने लग जाता है तब भी हम क्या हो जाते हैं? डिस्टर्ब। तो अभी क्या करना है आपको? एक तो आपको अपना फोन है ना, जो योर बेस्ट फ्रेंड, लॉकडाउन में 2 साल इसने इतना साथ दिया है, रिसर्च भी हुआ है कि अभी इंसान इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने लग गया है क्योंकि इसी ने तो बहुत साथ दिया है आपका, उसको साइलेंट कर ले प्लीज। हंड्रेड परसेंट दीजिएगा। और जो लोग पीछे खड़े हैं मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब लोग आगे आ जाएं, और जो लोग पीछे बैठे हैं वो भी थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएं, अपनी चेयरपर्सन चेयरमैन अपनी कुर्सियां लेकर सब लोग आगे आ जाइए, आ जाइए थोड़ा 10 से 20 ग्राम जल्दी से। ओम शांति। आप जी आ जाइए, थोड़ा चेयर आगे ले आइए, कुर्सी को आगे आगे ले आइए। आंखें बंद करते हैं, आप बैठ जाइए सर, आंखें बंद करते हो हम अपने माता पिता को याद करते हैं। रिमेम्बर योर पेरेंट्स। माता पिता को याद कर लें, जिनको भी आप गुरु मानते हैं भगवान मानते हैं उनको याद कर लें, उनका आशीर्वाद महसूस करें। हमारे आसपास इस वक्त जितनी भी पवित्र शक्तियां हैं हमें आशीर्वाद देने के लिए आई हैं, मन ही मन हम उनको भी नमस्कार करते हैं और उनका स्वागत करते हैं। चेहरे पे एक सुंदर सी मुस्कान बना लें, धीरे से आंखें खोल लें, कुछ ज्यादा मत बोलिएगा, बस अपने आसपास वाले का स्वागत करिएगा, नमस्ते सत श्री अकाल जो भी आप बोलना चाहते हैं, जय माता दी। लेफ्ट और राइट आगे और पीछे जो भी आपके बैठे हैं उनको आप स्वागत करें। अगर नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब आपके अंदर कोई प्रॉब्लम है। पीछे वाले सुन रहे हैं, लेफ्ट और राइट वाले को नमस्ते, उनको जय माता की आपको विश करना है। ऐसा क्यों बोला कि तुलसी इस संसार में सबसे मिले भाई, क्या पता किस भेष में तो है, नारायण मिल जाए। शिव भोलेनाथ। शिव के ऊपर से छोटी एक ही मात्रा हटा दे तो क्या बचता है? क्या बचता है? शव। तो अगर शिव के साथ शक्ति नहीं है तो हम क्या है? शव है। तो देवी का साथ में होना बहुत जरूरी है। तो ताली बजाते हो मेरे साथ, गाइए। ओम नमः शिवाय, 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 गाइए। शिव 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 शिवाय नमः। शिव 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 शिवाय नमः। Bye.
ताली बजाते हुए। Shankar Nade, Shankar Nade, Shankar Nade.
सत्संग में बातें करते हैं और फोन यूज करते हैं, उनका फोन 3 दिन के लिए हैंग हो जाता है। देखो बातें तो करते रहते हैं ना हम लोग, आया ना, हम फिल्मी गाने भी सुनते हैं, hangama.com YouTube ये सब ऑन करते हैं, लेकिन सत्संग में हमें बहुत कम बैठने का मौका मिलता है। ये सुनो, जिनको हम चुनते हैं उसको हम संसद में भेजते हैं, जिसको हम चुनते हैं उसको हम संसद में भेजते हैं, और भगवान जिनको चुनते हैं वो उसको सत्संग में भेजते हैं। अपने लिए ताली बजाइए। इतनी बड़ी सोसाइटी है, उसमें देखिए आप लोग बड़े सेलेक्टर से लोग भेजे हैं, माता रानी ने बुलाए हैं अपने सेलेक्टर से भक्त कि मेरा आगे गुणगान करो मेरे भक्तों। अच्छा आप सब क्या है, माँ के बच्चे है ना, भक्त हुआ? अच्छा बड़े मॉडर्न भक्त हैं। जैसे मैं भी माँ का बच्चा हूँ वैसे आप भी माँ के बच्चे हैं। तो माँ के बच्चे क्या करते हैं मिलकर, आपके बच्चे आपका गुणगान कहाँ करते होंगे? वो तो बेचारा रोता होगा तो आप उसको वो जिंगल बेल्स खोल के दे देते होंगे फोन पे, बच्चे रोटी नहीं खाएगा, क्या करूँ भैया ये खाना नहीं खाता ना, जब तक इसको फोन ना दूँ, कमजोर बना रहे हो आप उनको, पता है वीक बन जाता है इसे। कहाँ फिर भगत सिंह को ढूंढोगे आप, कहाँ मिलेंगे वो? सब लोगों के पास अपना अपना फ्लैट है, अपनी अपनी गाड़ी है, सबके पास सब माँ ने दिया है। सत्संग का मतलब सत के साथ संग में बैठकर सत्संग करना, यानी कीर्तन। कीर्तन का मतलब मेरे साथ एक बार सुनिएगा जरा ध्यान से, आप सुन पा रहे हैं पीछे वाले? कीर्तन यानी हम करते हैं, कीर्तन संस्कृत में बोलते हैं,
कीर का मतलब है सेल्फ और तन माने बॉडी, कीर तन। जब मन और तन बॉडी एक हो जाए तो ही बनता है, क्या बनता है? कीर्तन। नहीं तो यहाँ जोर जोर से ढोल तबला ये सब पीटो और आपका मन आपके इंस्टाग्राम पे है, घर पे है, किचन में है, ऑफिस में है, कहीं आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और यहाँ आकर बैठे हैं, तो वो सत्संग या कीर्तन नहीं बनता। तो यहाँ पर 100% आपको देना है, क्या देना है? आपको एक शक्ति के साथ जुड़ना है, जो शक्ति इस दुनिया को चला रही है उस शक्ति के साथ जुड़ना है, महामाया जगदम्बा। हम कोई भी काम करने जाते हैं तो हमें शक्ति की जरूरत पड़ती है कि नहीं? हाँ या ना? ये सुनो, हम बजा रहे हैं, गा रहे हैं तो हमें शक्ति की जरूरत पड़ रही है। तो जो गहिंतर स्तर में हमारे भीतर एक शक्ति समाई हुई है जो हमें कुछ समय के लिए इस जगत की माया से दूर ले जाती है, उसे हम कहते हैं महामाया जगदम्बा। क्या कहते हैं? महामाया जगदम्बा। इस माया से, यूपी वाली मायावती नहीं, ये माया जो आसपास आपके आसपास है, जैसे पंडाल लगा हुआ है, पूरी छोले चल रहे हैं, दही भल्ले चल रहे हैं, माया में हम ऐसे ऐसे ना, तो ये माया से हमें दूर ले जाती है, थोड़ी देर ध्यान में करवाती है। मेरे साथ बोलिएगा, जो जो आपने पाया वो माँ का ध्यान करते हुए आज माँ को सब बताना है आपको। लेकिन ताली, कोई भी लॉक खोलना होता है तो हमें की जरूरत पड़ती है, चाबी की। वैसे सत्संग में अपने मन को यहाँ रखने के लिए हमें ताली की जरूरत पड़ती है। सत्संग में तीन काम जरूर करिएगा, एक तो साथ में गाइएगा, साथ में ताली बजाइएगा और मुस्कुराइएगा। क्या? मुस्कुराइएगा। हमें माता का स्वरूप भी मुस्कुराता हुआ चाहिए, हमें ठाकुर जी की भी मुस्कुराते हुए चाहिए, लेकिन हम जब उनका गुणगान करते हैं तो ऐसे पंकज उदास बनकर बिल्कुल मुस्कुराते हुए। और सत्संग में शर्मा जी नहीं बनना, शर्मा जी मतलब शर्माना नहीं है। ना कभी हम दुख में शर्माते हैं, ना कभी हम सुख में शर्माते हैं, लेकिन अक्सर हम सत्संग करने में शर्माते हैं। तो सब लोग मेरे साथ मिलकर, मैंने सब कुछ पाया दाती, तेरा दर्शन पौना बाकी। मैंने सब कुछ पाया दाती, तेरा दर्शन पौना बाकी। मास्क वाले आंटी, आप ऐसे नहीं बैठना, सत्संग में आए तो ताली बजा कर। मैंने सब कुछ पाया दाती, तेरा दर्शन पौना बाकी। एक तेरा आना बाकी, मैंने सब कुछ पाया दाती, तेरा दर्शन आना बाकी। तेरा दर्शन आना बाकी, मेरे घर में, मेरे घर में, मेरे हाउस में, मेरे फ्लैट में कोई कमी नहीं। एक तेरा आना, I'm not afraid.
एक तेरा आना बाकी आओ मात जी क्वाटा मंदर सजाया है।
ने आवाज मारी दौड़ी दौड़ी आई माँ, संजीव आवाज मारी दौड़ी दौड़ी आई माँ, राजन आवाज मारी दौड़ी दौड़ी आई माँ, शिवम आवाज मारी दौड़ी दौड़ी आई माँ। Feeling good, yes or no? Yes. पीछे वाले yes or no? Yes. अच्छा इधर पीछे वाले मतलब आप जो चेयर पर बैठे हुए हैं, आप सबको बैक बेंचर्स, आप सबको आपको आवाज आ रही है पीछे, कैन यू हियर मी, yes or no? थैंक यू सो मच। आओ मात जी पड़ा मंदिर सजाए, दिस इज सिंग बाय नरेंद्र चंचल जी एंड बंसीलाल जी, फोक भजन है, मतलब कह रहे हैं कि आओ माँ आपका मंदिर सजाया है, मंदिर सजाकर आपको घर में बुलाया है।
चाहते हैं। Yeah.
नजर से पहचान होती है, लेकिन मैं यहाँ उल्टा कहूंगा। तेरे नाम से ही मेरी पहचान है, दिन रात बस एक मुस्कान दे दो आप सब। वो जो पीछे भैया बैठे ना, हम माता जी के पीछे, वो इधर जो फोन में लगा के कुछ सुन रहे हैं, आपकी आंखें और आपके कान इधर होने चाहिए। अगर आपको व्हाट्सएप कॉल सुनना है या कोई मीटिंग आ गया तो पीछे जाके सुनिएगा। अच्छा देखिए, सत्संग की मर्यादा किसको बनानी है? हमें बनानी है ना। सत्संग की थोड़ी सी मर्यादा बना के रखिए, हम अपनी संस्कृति को, अपने कल्चर को भूलते जा रहे हैं और वेस्टर्न वाले उसको अपनाते जा रहे हैं। मेरे फ्रेंड है कृष्णा दास, देवा प्रेमल, गायत्री और भी बहुत सारे विजय, वो सब लोग आते हैं, इतना भाव से गाते हैं, दिल से गाते हैं, लेकिन हम लोग जब सत्संग में सुनते हैं ना, अच्छा हम सत्संग है हमारे घर पे, तो हमें हर माइंड में आता, अरे सत्संग में जाना है वो तो बूढ़े लोगों का काम है, हम वहाँ पर क्या करेंगे। ऐसा नहीं, जैसा आप आज करेंगे वैसा आपके आने वाली जनरेशन करेगी, आपके बच्चे करेंगे वैसा, तो जैसा आप मस्ती में मस्त होकर गाओगे वैसा आपके बच्चे मिलकर गाएंगे। ये पीछे चलता रहेगा ऐसे, ये चलता रहता है। कितने लोग वैष्णो देवी जी गए हैं? अच्छा, और कितने लोग नहीं गए? कितने लोग नहीं गए? अच्छा, और कितने लोग जाना चाहते हैं? अभी मैं बोलूं ना, देखो कितने 20 लोगों ने हाथ खड़ा किया। अभी मैं बोलूं ना, कपिल भैया बाहर खड़े होकर गोल्ड का कॉइन देंगे सबको, तो हाथ खड़ा करो, सब लोग हाथ खड़ा करेंगे कि किस किस को चाहिए, है ना। कितने लोग जाना चाहते हैं माँ के दरबार, वैष्णो देवी? कितने लोग जाना चाहते हैं? दोनों हाथ ऊपर खड़े करिएगा ईमानदारी से, श्रद्धा और भावना से। वाह, जैसे भैया तबला को ट्यूनिंग कर रहे हैं, वैसे हम मंत्रों से, भजन से अपने आप को ट्यून करते हैं, क्योंकि हमारा जो मन है ना वो बिखर जाता है, या तो उसको ध्यान से सेट करना पड़ता है या भजनों से। सब लोग ऐसे करिए, जरा ऐसे बनाए, सब लोग दिल के पास ले आए और बोले मन, बोलिए मेरे साथ मंत्र, मंत्र जो मन को तार दे उसको कहते हैं, क्या कहते हैं?
महामंत्र। तो कहते हैं जहाँ पर सत्संग होता है ना वहाँ पर राम का नाम लिया जाता है, वहाँ कौन आते हैं? हनुमान जी और नारद मुनि जी भी आते हैं। कौन आते हैं? तो आप कोई भी विश लेकर बैठे होंगे ना यहाँ पर, छोटी सी विश मत मांगना। मुंबई में सीमिंग के पास बड़ा सा फ्लैट होना चाहिए और 3-4 ऑडी होनी चाहिए, ऐसी विश रखना। नारद मुनि जी, हनुमान जी आपको बल देंगे, बुद्धि देंगे, और नारद मुनि जी आपकी विश है वो ईमेल के जैसे ऊपर लिख जाएंगे। ना मेरे साथ बोलिए ना रद, जिसकी विष्णु भी बात रद्द नहीं कर सकते वो है नारद। तो ताली। रवि, तूने मुझे बुलाया, बड़ी उदासी के साथ माँ कह रही है इतनी बैठा रहते मैं नहीं बुलाती। जोश के साथ गाओगे दोनों हाथ ऊपर करके। अच्छा, जो कुर्सियों पर बैठे होते हैं ना, हम लोग डेली सत्संग करते हैं, अभी मैं ऋषिकेश से आ रहा हूँ, जो चेयर पे बैठे होते हैं उनको स्पेशल बोलना पड़ता है। तो दोनों हाथ ऊपर, 1 2 3 स्टार्ट। तूने मुझे बुलाया, आया मैं आया शेरा बाजी, आया मैं आया शेरा बाजी, आया मैं आया शेरा बाजी।
सब पाया। आइए छोटी जात ना कोई बड़ी जात। और ये भजन सालों पहले कह गया, क्या कहता है, कौन है राजा कौन दर्शन।
Thank you.
हैप्पी बर्थडे। सीटी नहीं बजाना, नो सीटी नहीं, यहाँ पर ऑडिटोरियम में कोई यूथ फेस्ट नहीं हो रहा, माता का गुणगान हो रहा है, तो प्लीज सीटी मत बजाइए। सीटी बजाना है तो हमारे पंजाब में बजाते हैं कॉलेज के बाहर। Feeling good, yes or no? Yes. Yes or no? Yes. आप बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाइए प्लीज, प्लीज सिट डाउन। आप भी बैठ जाइए खड़े गांव वालों। झोंका हवा का आज भी झुल्फे हिलाता होगा ना, एक गजल है ना हरिहरन जी की, तो इतनी सुंदर हवा आ रही है, ऐसे लगता है जैसे माँ के दरबार से ठंडी हवा आती है ना, नैना देवी चिंतपूर्णी जाते हैं, यू नो आई बिलोंग फ्रॉम ब्राउन एंड ब्रॉटन इन पंजाब, तो वहाँ पर चिंतपूर्णी माता जी हैं, नैना देवी जी हैं, ज्वाला जी हैं, और हमारे पड़ोस में हैं जम्मू कश्मीर कटरा जी, माँ वैष्णो देवी जी हैं। तो ऐसा है देखो, ये सर पे बांधा हुआ है माँ का, ऐसे लग रहा है जैसे दरबार में बैठे हुए हैं, पूरा एकदम प्रॉपर पूरी श्रद्धा और भावना के साथ ऐसे ही बैठने सबको। तुम्हारे, 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 तुम्हारे,
आगे चेयर पर बैठे हैं सभी लोग। हरे राम सभी लोग ताली बजा रहे हैं, दोनों हाथ ऊपर।
लग जाती है ना तो उसको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, और जिसका मन साफ होता है ना वो अपने आप खड़ा होकर नाचने लग जाता है, ये सुनो है ना। तो आपको ऐसा ना लगे कि कोई फिंगर पकड़ेगा और मुझे खड़ा करेगा, अगर आपको नृत्य करने का मन है तो सच्चे मन से अपने आप खड़े हो जाएंगे, पीछे वाले भी, आगे वाले, पीछे वाले, सब लोग खड़े हो जाइए। आपको कह रहा हूँ सब लोग, चेयरमैन, चेयरपर्सन, चेयरवुमैन, चेयरपर्सन भी यहाँ पर बहुत सारे, यस आगे आ जाइए, यहाँ तक आगे आ जाइए। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। देखो भीम पाऊ देवी शक्ति ज्यादा पावरफुल हो रही है, देवी भारी पड़ रही है, तो आगे आ गया भैया, आप भी आगे आइए, शर्मा क्यों रहे हैं, यू नो पता है भोलेनाथ और पार्वती साथ में एक ही हैं। पार्वती जी नाराज हो गए, जो कहते कि सर के ऊपर तो गंगा को दिखा के रखते हो, मैं कहाँ हूँ, तो भोलेनाथ जी ऐसे चुटकी बजाए और आप ही पार्वती जी बन गए। और आपको पता है हर इंसान मर्द के अंदर, जेंट्स के अंदर शर्म और हया होती है कि नहीं होती है ना, तो वही देवी गुण है हमारे अंदर, आधे हम शिव हैं और आधे हम देवी हैं। बुद्धे शाह ने लिखा नी मैं कमली यार थी कमली, सुने आपने नी मैं कमली यार थी कमली, अगर वो लिखते नी मैं कमला यार था कमला, कितना अजीब लगता ना सुनने में, कितना अजीब लगता। कमली मतलब कमला मतलब दुनियादारी के लिए, और कमली उसके लिए है। एक ही मर्द है इस दुनिया में, इस संसार को जो चला रहा है, बाकी हम क्या हैं, फीमेल, सब आत्माएं मस्त मौला, एक ही है वो चलाने वाले, निरंकार परमेश्वर। कोई भी नाम दे दो, शिव दे दो, नानक दे दो, अल्लाह जिसे कुछ भी देना है, दोस्त भी बोल सकते हो उसको। और मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर करिए, हाय हाय इतने महंगे फोन, अभी बोला था कि थोड़ी देर माया को छोड़ दो, ये फोन यहाँ रख दो अपने अपने अपनी जिम्मेवारी पर। और ऐसे करिए जरा सब लोग, आपके हाथ में है डांडिया स्टिक, क्या है जो लोग पीछे कुर्सी पर बैठे हैं ना सीनियर सिटीजन बनकर, भैया हम तो खड़े नहीं हो पाएंगे, हमारी तो घुटनों में बड़ा दर्द है। ऐसा नहीं है, माता की मेहर यहाँ पर बरसात हो रही है, कृपा की बरसात, और ये साधक का दावा है, अगर यहाँ पर आप नृत्य करेंगे तो जो भी बॉडी में स्ट्रेस होगा ना, इतने सालों का स्ट्रेस आपने बनाकर रखा वो सब निकलेगा, लेकिन आपको 100% देना पड़ेगा। आप हर रात हर डीजे पे जाते हैं, शादी पे जाते हैं तो वहाँ पर मुन्नी को बदनाम करते हो, ठीक है, और आकर फिर पैर जाते हो, हाय मेरी कमर में दर्द, दो तीन दिन तक दर्द रहता है कपिल भैया, लेकिन यहाँ पर अगर आप नृत्य करेंगे माँ के दरबार में, ऐसी आपकी चेतना जागरण होगा, एनर्जी इतनी हाई हो जाएगी कि 4-5 दिन आप एक अलग ही स्टेट में रहेंगे। यस आर यू रेडी, पीछे वाले आर यू रेडी, Oh, my God.
पीछे वालों, अगर खुशी में शामिल होने का मौका मिले तो अपने भीतर कंस को नहीं बैठने देना, रावण को नहीं बैठने देना, आगे आ जाइए जल्दी से, आगे आ जाए। उत्सव मनाने का मौका मिले तो शर्माना नहीं, अगर शर्मा दिए तो बस। जो नाचने वाले का सत्संग में क्या होता है, जब नृत्य करते हैं मंत्रों के ऊपर तुम्हारे बुरे कर्मों की, दुखों की, पोजिशन की, स्ट्रेस की पथड़ियां बन बन के बाहर गिरती हैं और ये उनके ऊपर गिर जाती हैं जो नाचने वाले को देखता है। तो ऐसा नहीं हमें किसी का बोधरेशन स्ट्रेस नहीं लेके जाना। तो आर यू रेडी,
लोग जंप ना करें जिनका पैर था। जंप करिएगा मेरे साथ। आज का फिर भी कोई जंप नहीं करता। जेंट्स, मैंने बोला जिनका पैर भारी हो वो जंप ना करें, समझते हैं? तो दोनों जंप करिए मेरे साथ। गोविंद मेरे राइट में कुछ लोग बातें कर रहे हैं, उनको बोलिए जा रहे हैं। कुछ समय के लिए आंखें बंद करके बैठ जाइए। माँ के दरबार में आए हैं तो माँ का ध्यान करना बहुत जरूरी है। बच्चों को एक कपिल भैया आप देखिए, बच्चे हैं दीजिए उनको थोड़ा सा आप देखिए। रीढ़ की हड्डी को हल्का सा सीधा करते हैं, हथेलियाँ घुटनों पर आकाश की ओर खुली हैं।
आसपास जो भी आवाजें आ रही हैं, बच्चों की आवाज, संगीत की आवाज, ट्रैफिक की आवाज, इन सभी आवाजों को हम ध्यान से सुनते हुए स्वीकार करते हैं। ठीक है, डीप ब्रेथ इन एंड ब्रीथ आउट। जैसे जल में मछली रहती है, वैसे वायुमंडल में हम रहते हैं। मुस्कुराते हुए एक और लंबी गहरी सांस है। और मुस्कुराते हुए खाली कर दें। मन को पढ़ने दे, मन जहां भी जा रहा है, 10 साल 20 साल पीछे, 20 साल आगे उसको जाने दें। पास में, फ्यूचर में, जहां भी मन जा रहा है उसको जाने दें। आपका जितना भी वेट है, 60 किलो, 70 किलो, 80 किलो, वो सब धरती पे रखते हैं। ऐसा महसूस करने कि आप माँ भगवती की गोद में बैठे हैं, माँ वैष्णो के दरबार, जहाँ केसर और कस्तूरी की खुशबू फैल रही है, एक ठंडी हवा का झोंका जिसमें प्रेम, आनंद और शांति है, वो आपके कान को छूता हुआ आपको आशीर्वाद देता जा रहा है। इसको महसूस करें। हवा का झोंका जिसमें माँ का प्यार और आशीर्वाद है, उसको महसूस करें। माँ भगवती के चरण कमल, उनका ध्यान करते हैं। मन में कोई भी वाइब्रेशन हो, स्ट्रेस हो, सब उनको सरेंडर करते हैं, मन को खाली करते हैं। मन में जो भी विचार आ रहे हो, कुछ अच्छे विचार, कुछ बुरे विचार, कुछ अच्छी बातें और कुछ बुरी बातें बार बार मन में आ रही हैं, उनको आने दें, ना रोकें ना टोकें। कुछ अच्छी बातें, कुछ बुरी बातें, केवल ध्यान है माँ के चरणों में, चरण कमल तेरे तोड़ तोड़ तेरे। चेहरे पे एक सुंदर सी मुस्कान रखें, ओंकार का नाम करते हैं। ओंकार के लिए एक लंबी गहरी सांस भरें, जो कि डीप ब्रेथ इन।
नहीं आता मेरे साथ चलिए बिना